तो लीजिए फ्रेंड, गर्मा गर्म गाजर का हलवा सर्दी के मौसम में बनकर हो गया है तैयार। तो आप भी इसकी झटपट से रेसिपी देख लीजिए। वैसे बनाना इसको बहुत ही आसान है, आप सभी लोग जानते भी होंगे, लेकिन एक बार आप मेरे तरीके से भी बनाकर देखिए, हो सकता है आपको मेरा तरीका पसंद आए। अगर तरीका पसंद आता है तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए झटपट से इसकी रेसिपी भी देख लेते हैं। तो गाजर का हलवा बनाने के लिए यहाँ मैंने लिए हैं 2 केजी गाजर। और गाजर आपको हमेशा मोटी वाली लेनी है हलवा बनाने के लिए। और ये ध्यान रखना है, गाजर का कलर भी आपको एकदम से रेड देखकर लेना है। और गाजर को मैंने अच्छे से 2 से 3 बार धुल लिया है, उसके बाद हल्का हल्का ऊपर से इसकी स्किन को भी निकाल दिया है। अब हम लेंगे एक ग्रेटर। ग्रेटर में आप ये देखना, उसके छेद मीडियम साइज वाले से इसे कद्दूकस कर लेंगे। और आप कद्दूकस बहुत ही सावधानी से कीजिए, क्योंकि हाथ भी कभी कभी कट जाता है इससे। तो अब मेरी कद्दूकस हो गई है सभी गाजर। तो मैंने यहाँ कढ़ाई में डाल दिया था 3 से 4 चम्मच देसी घी। उसके बाद अपनी गाजर को भी कढ़ाई में डाल दिया है। और अब इसको थोड़ा सा चलाने के बाद यहाँ डाल देंगे 1 से 1.5 कटोरी चीनी। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गाजर के हलवे में चीनी नहीं पड़ती है। बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि गाजर में पहले से ही मिठास होती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा चीनी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब बस इस तरह से ऐसे ऐसे करते जाएंगे और चीनी अपने आप नीचे जाके मेल्ट हो जाएगी। देख सकते हैं आप, चीनी बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो अभी हम इंतज़ार करेंगे, क्योंकि अभी जो जितना पानी ऐसा आपको दिख रहा है तो वो अभी इसमें ऑब्जर्व हो जाएगा। और ये देख सकते हैं आप कितना पानी कम हो गया है इसका, चीनी का जो रस है वो मैंने यहाँ डाल दिया है। इलायची पाउडर, इलायची को मैंने कूट के इसमें डाल दिया है और अच्छे से इसमें मिला देंगे। हलवा जब बन जाता है तो आप इस तरह से इसे दबाकर देख लीजिए, क्योंकि अगर चीनी का जो रस है अगर निकल रहा है तो उससे क्या है, आपका हलवा ना बाद में पनीला पनीला हो जाएगा, पानी जैसा छोड़ देगा। तो अभी देख सकते हैं इस तरह से मैंने किया है, तो अंदर अभी और भी चाशनी सी है। तो जो भी इसमें चीनी की चाशनी थी वो गाजर में सोख हो चुकी है। तो अब नंबर आता है इसमें मावा ऐड करने का। तो ये मैंने लिया है 1/2 केजी मावा। ये मावा मैंने घर पर ही बनाया हुआ है फुल क्रीम मिल्क से। तो बस मावा इसमें ऐड कर देते हैं। मावे को आप कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग भी इसमें डाल सकते हैं। तो लीजिए रसीला एकदम से रेशेदार गाजर का हलवा मेरा बनकर हो गया है तैयार। तो इस सर्दी में आप भी इस तरीके से अपने घर पर बना सकते हैं। गाजर का हलवा किस किस को पसंद है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप अपने अनुसार इसमें ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहो तो ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और गाजर के हलवे का आप कलर देख सकते हैं। तो आप भी अगर गाजर का हलवा जब भी बनाने जाएं और गाजर लेने जाएं मार्केट से, तो गाजर हमेशा आपको मोटी वाली और रेड कलर की लेनी है। एक पीलेपन पर जो गाजर आती है उसका उतना ज़्यादा टेस्टी नहीं बनता है गाजर का हलवा, और दिखने में उसका कलर भी इतना अच्छा नहीं आता। और वैसे भी जब गाजर का हलवा बनाते हैं तो उसमें जब चीनी पड़ जाती है तो उसका कलर थोड़ा और रेड हो जाता है। तो इसीलिए मेरा गाजर का हलवा इतना ज़्यादा देखने में अच्छा लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनाता, सच मानिए। तो मैंने इसको थोड़ा ड्राई फ्रूट से ना सजा के इसको मावे से ही ऊपर से और डेकोरेट कर दिया है। तो आप इस गाजर के हलवे को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाना चाहते हो तो आप चाहो तो इसमें देसी घी में काजू, बादाम, पिस्ता, जो भी ड्राई फ्रूट आपके पास हो वो इसमें फ्राई करके डाल सकते हैं, और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो लीजिए फ्रेंड, इस कड़कड़ाती सर्दी के मौसम में गाजर का हलवा बनकर हो गया है तैयार। तो आप भी अपने घर पर इसी तरह से बनाइए, खाइए, अपने अनुभव रीना रसोई के साथ शेयर